हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ नेहा एंड यू आर वाचिंग बिलीव इन थेरेपी। सो वेलकम बैक माय चैनल। आज के इस टॉपिक में हम क्रायोथेरेपी पढ़ने वाले हैं। क्रायोथेरेपी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोल्ड का इफेक्ट कैसे कैसे पड़ता है। जब भी जहाँ भी कोई एरिया पे इंजरी हुई है वहाँ पे हम कोल्ड का जो यूज़ कर रहे हैं उस वो कैसे इफेक्ट डाल रहा है उस एरिया पे, जैसे कि डिक्रीज इन्फ्लामेशन यानी कोल्ड रिड्यूस द इन्फ्लामेशन इन अक्यूट इंजरी ड्यू टू वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिड्यूस सेलुलर एक्टिविटी। कोल्ड क्या करता है, हमारे उस एरिया को जो भी एक्यूट इंजरी हुई है उस एरिया के इन्फ्लामेशन को कम कर देता है और वहाँ की जो सेलुलर एक्टिविटी होती है उसे कम कर देता है। ये कैसे करता है, इन्फ्लामेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि वहाँ पे स्वेलिंग, जैसे हमारे इस एरिया पे एक्यूट इंजरी हुई है इस एरिया पे तो स्वेलिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए और इस एरिया का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, कोई भी आइस पैक या कोल्ड मसाज आइस मसाज यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगी, जो भी ये सिम्टम्स बताए हैं इन सिम्टम्स को रिलीफ देगी, यानी कि स्वेलिंग को कम कर देगा, रेडनेस हुई है उसे कम कर देगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो उसे डिक्रीज कर देगा। इसमें क्या होता है, जैसे हम कोल्ड का यूज़ करते तो ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसे कम कर देता है। जैसे जो इन्फ्लेमेशन सेल्स होती है वहाँ पे जैसे हमारा मीडिएटर प्रेजेंट होते हैं, इन्फ्लेमेशन सेल्स के मीडिएटर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, हिस्टामिन हो गया। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स होती है केमिकल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं मास, जो मास सेल होती है लिम्फोसाइट्स होते हैं वो यहाँ पे केमिकल को रिलीज करते हैं हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन, जिससे हमारी मेटाबॉलिक की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। जब हमारी मेटाबॉलिक की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो उस एरिया पे हमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे कोल्ड का यूज़ करेंगे तो ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर देगा, यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन हिस्टामिन जो मीडिएटर का रिलीज हो रहे थे उन्हें कम कर देगा, इससे पेन भी कम होगा हमें और केमिकल जो सीक्रेशन है वो भी कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करने में। जैसे कि यहाँ लिखा है डिक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन डिक्रीज टिश्यू मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन डिक्रीज टिश्यू मेटाबॉलिज्म, द मोर द कूलिंग द ग्रेटर डिक्रीज मेटाबॉलिज्म। जैसे कि इसमें लिखा है जब भी हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वहाँ के जो मेटाबॉलिज्म है टिश्यू का मेटाबॉलिज्म है वो भी कम हो जाएगा। जैसे और जो हम बहुत ज़्यादा कूल आइस का यूज़ करेंगे तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमारे बॉडी का जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो मेटाबॉलिज्म भी हमारा कम हो जाएगा। यदि हम और आइस का यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो और ज़्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म कम क्या हो जाएगा, जो भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बढ़ी हुई है उस एरिया की जहाँ पर इन्फ्लेमेशन इंजरी है तो वहाँ पर जो केमिकल मीडिएटर रिलीज हुए हैं तो कोल्ड उन्हें रिलीज हुए इनहिबिट कर देगा, जिससे हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी वो कम हो जाएगी, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिक्रीज पेन, पेन को डिक्रीज करने में। जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं पेन को रिलीफ कैसे देता है, इसमें लिखा है कि पेन इज रिड्यूस बाय द डिक्रीज नर्व कंडक्शन। हमारा पेन कम होता है जब पेन कम हो जाता है जब हमारा जो नर्व का कंडक्शन है कंडक्टिविटी है नर्व की वो कम हो जाएगी एंड स्टिमुलेशन ऑफ कोल्ड रिसेप्टर, जो हमारे कोल्ड रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। जब हमारे कोल्ड रिसेप्टर है वो स्किन पे प्रेजेंट है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे तो जो हमारे नर्व के नॉसी रिसेप्टर होते हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाने देगा। जो आपने सब पढ़ा होगा पेन का एक मैकेनिज्म है, जो हमारे मैकेनो रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो नॉसी रिसेप्टर जो पेन को स्टिमुलेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं वो नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि जो हमारे मैकेनो रिसेप्टर होते हैं उस पेन उसे इनहिबिट कर देते हैं और मैकेनो रिसेप्टर खुद जाके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि पेन गेट मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जो पेन को लेके जाने पेन जो पेन को जो सिग्नल ले जाते हैं जो फाइबर ले जाते हैं आप सुना होगा ई डेल्टा फाइबर एंड सी फाइबर, ये लेके जाते हैं ट्रांसमिशन करते हैं। हमने पेन गेट मैकेनिज्म थ्योरी में पढ़ा है कि जो पेन के
जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर होते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ब्रेन तक ले जाते हैं, उसे उसके हम कंडक्टिविटी को कम कर देते हैं। जब ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाता है तो पेन हमें कम फील होता है। जैसे कि हम इसे पढ़ रहे, पेन इज ऑल्सो रिड्यूस बाय द ब्लॉक ऑफ इन्फ्लामेशन केमिकल लाइक ब्रेडिक एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। पेन हमारा कम हो जाता है जब हमारे जो इन्फ्लामेशन के केमिकल प्रेजेंट होते हैं, ब्रेडिकाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, जहां हम इन्हें ब्लॉक कर देंगे तो हमें पेन कम फील होगा। जैसे कि हम कोल्ड का यूज करते हैं, जो हमारी पेन की जो नर्व होती है, पेन की जो नर्व होती है, नर्व एंडिंग होती है, तो कोल्ड को यूज करने से वो हमारी स्टिमुलेट हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़े डिक्रीज मसल स्पाजम। जो मसल्स का स्पास्टिसिटी होती है, स्पाजम होता है, उसे कम करने में फर्स्ट हम पढ़ते हैं मसल्स स्पाजम इज डिक्रीज बाय द कोल्ड। मसल्स स्पाजम इज डिक्रीज, जब हम कोल्ड का यूज करते हैं तो मसल्स की स्पास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है। वो कैसे कम हो जाती है? जब जो हमारी मसल्स होती है, मसल्स का जो टोन होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। मसल्स हमारी बहुत जल्दी जल्दी, मतलब मसल्स पे सिग्नल, बहुत ज़्यादा मसल्स पे सिग्नल जाने लगते हैं, जिससे हमारी मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, जिससे हमारा टोन बढ़ जाता है, उसे हम मसल्स स्पास्टिसिटी या मसल्स स्पाजम कहते हैं। जो हमारी मसल्स स्पैंडल होती है, बेली लाइक स्ट्रक्चर होता है बल्कि सा, उसमें हमारी गामा मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। जो गामा मोटर न्यूरॉन होते हैं वो इनर्वेटेड, वो हमारी मसल्स को इनर्वेट करते हैं। जैसे कि गामा मोटर न्यूरॉन हमारी स्पिंडल, जो मसल्स स्पेंडल है, उसके पास जो सिग्नल आ रहे हैं उसे भेजती है। जब वो सिग्नल भेजे तो हमारी मसल्स बार बार कॉन्टैक्ट करती है। जब इंजरी हो जाती है तो मसल्स स्पेंडल पे जो गामा गामा मोटर न्यूरॉन, उस पर और ज़्यादा सिग्नल आते हैं तो वो जल्दी जल्दी से कॉन्टैक्ट होने लगती है, जिससे हमारा मसल स्टोन होता है वो बढ़ जाता है। कोल्ड थेरेपी अप्लाई करने से जो हमारी गामा मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। जब हमारी गामा मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी वो कम हो जाएगी तो हमारी मसल्स जल्दी जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी और मसल स्टोन हमारा कम हो जाएगा, स्पैंडल की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी और स्पास्टिसिटी भी हमारी कम हो जाएगी। जैसे कि सेकंड पॉइंट में लिखा है डिक्रीज नर्व कंडक्शन, एंड जो हमारी नर्व की कंडक्टिविटी है वो हम कम कर देते हैं। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म बाय स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व। जो हमारा स्टिमुलेशन हुआ गामा मोटर न्यूरॉन का, तो वो हमने कम कर दिया, स्टिमुलेट हुआ वो कम हो गया, जिससे हमें स्पास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं फैसिलिटेट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जानते हैं क्या होता है? नाम से ही पता चला मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराना है। जहाँ हमारी मसल्स होती है कॉन्टैक्ट नहीं कर रही है तो हम आइस का यूज़ करते हैं, पर हमें ये ध्यान देना चाहिए जब भी हम आइस का यूज़ कर रहे हैं उस मसल्स पे जो कॉन्टैक्ट नहीं हो रही है, तो हमें उस पे ये देखना चाहिए कि उसकी जो नर्व है वो इनर्वेट है, क्या नर्व हमारी इंटैक्ट है। यदि नर्व हमारी इंटैक्ट है तो हम आइस का यूज कर सकते हैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए। जो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, जैसे हमारे अल्फा मोटर न्यूरॉन हमारी प्रेजेंट होते हैं, वो एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। जो हमारी सब जो मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं अल्फा मोटर, जब भी हम आइस का यूज़ करेंगे तो उसकी एक्साइटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स पे वो होने लगेगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल्स हमारी फैसिलिटेट कॉन्टैक्ट करेगी। हमारे कॉन्टैक्ट नहीं हो रही है, मसल्स की नर्व सप्लाई नहीं है, तो हमेशा याद रखना आपको कोल्ड का यूज़ नहीं करना है।